हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो स्टूडेंट जल्द से जल्द ज्वाइन करें क्लास। हेलो स्टूडेंट, जल्द से जल्द ज्वाइन करें क्लास को, इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं गोल प्रोग्रामिंग के ऊपर, ठीक है, गोल प्रोग्रामिंग के ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे और वो इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आप वास्तव में विश्वास नहीं करोगे कि 99.9% आपके पेपर में 100% फंसने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें भाई। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है नहीं आ रही है। चलिए फिर स्टूडेंट मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2014-15 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हें गोल प्रोग्रामिंग डी आई मतलब D1, चाहे वहाँ पर आपको D1 आ जाए स्टूडेंट, समझ लो चाहे आपको D1 आ जाए या D1 माइनस आ जाए। तो माइनस मतलब होता है घटना, घटने का मतलब कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है भाई, कोई कमजोर व्यक्ति है तो अंडर में काम करेगा ना करेगा। तो जो अंडर में काम करेगा तो गोल प्रोग्रामिंग DI1 या D1 तो अंडर अचीवमेंट वेरिएबल होगा वो, क्लियर है। अब बात करते हैं अगले की, इन्हें गोल प्रोग्रामिंग D1+। अब आ गया वहां पर D1+ मतलब जो थोड़ा ताकतवर इंसान है, वो ओवर एटीट्यूड में रहता है बंदा, तो ओवर एटीट्यूड का मतलब है कि भाई ओवर अचीवमेंट करेगा वो, तो ओवर अचीवमेंट वेरिएबल आ जाएगा करके, क्लियर है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि कोई भी दिक्कत नहीं है। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले आइए। फिर इन्हें स्टॉक ऑफ द प्रॉफिट पोलियो विच वन इज मोस्ट सुटेबल इज द सोल्यूशन बाय, तो सबसे जो प्रॉफिट पोल जो होता है और वो सबसे सुटेबल सॉल्यूशन जो बोला जाएगा वो आपका गोल प्रोग्रामिंग का बोला जाएगा स्टूडेंट, सबसे बेस्ट मेथड कहलाया जाएगा, ठीक है। तो एक गोल प्रोग्रामिंग का है, अभी मैं आपको समझाऊंगा जो आपको क्वेश्चन से एक प्रॉब्लम करेगा। 2019 का एक क्वेश्चन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, उसको मैं आपको चिंता मत करो, आपको पूरी पूरी बातें क्लियर करी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इन्हें प्रोग्रामिंग भी है वेरिएबल ऑब्जेक्टिव व्हेन द कोड सॉल्व बाय दिस मेथड, तो भाई साहब एक बात समझना, जब प्रॉब्लम आपकी वेरिएबल ऑब्जेक्टिव में है तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड है आपका गोल प्रोग्रामिंग का है, क्लियर है। चलते हैं फिर आगे की तरफ आओ। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल प्रोग्रामिंग वाज द चार्नी एंड कॉपर ने जो किया था आपका, मतलब कब इसको डेवलप किया था, मतलब गोल प्रोग्रामिंग का जो डेवलप किया गया था, जब वो बनाया गया था फॉर्मूला, वो कब बनाया गया था, 1961 में बनाया गया था। तो स्टूडेंट 1961 आपका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, 2014 के बैक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, विच मेथड इज यूज फॉर दिस प्रॉब्लम टू अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव अंडर वेरिएबल रेस्ट वेक्टर्स, तो ये गोल प्रोग्रामिंग के अंदर देखो अंडर वेरिएबल की बात करें, अचीव की बात करें, तो 100% आपको गोल प्रोग्रामिंग का ही वो होगा, गोल प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए गोल प्रोग्रामिंग, मतलब क्या है कि गोल प्रोग्रामिंग किस चीज को रिक्वायरमेंट नहीं देता है, तो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ये रिक्वायरमेंट नहीं देता है, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी सब लीनियर होना चाहिए, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों आपके ऑप्शंस इज द राइट आंसर्स हैं, क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हो अभी देखने क्वेश्चंस बनेगा एकदम इसी टाइप से, आपको पूरी पूरी बातें पता चलेंगी उससे, ठीक है ना। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये आपका आता है, ये आपका आया हुआ 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी बुक का है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। तो इन्हें गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गोल हैज असाइंड प्रायोरिटी सच दैट, मतलब गोल मे नॉट हैव ए इक्वल प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी गोल मस्ट बी अचीव बिफोर लोअर प्रायोरिटी गोल, मतलब एक बात समझना, जब हाईएस्ट के बारे में सोचेंगे जब जाके हमें बिफोर में पहले हमें आपको
लोगों की बारे में बात करनी है तो इसका ऑप्शन आएगा बी सही। समझ गए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2014-15 के बैक पेपर्स में, 2014 के बैक पेपर में आया हुआ है और वो आपका 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो समझना मेरी बात सबसे पहले ध्यान से, इसका एक चीज खास बात होती है, D1 नेगेटिव इंटू D1 पॉजिटिव की जो वैल्यू होती है 100% जीरो होती है, मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में होता है ये। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन आ जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हुई। चलिए फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। फॉर अप्लाइंग GP गोल प्रोग्राम अप्रोच कर रहा है, डिसीजन मार्क मस्ट। तो एक चीज समझना, गोल क्या करता है, टारगेट फिक्स करता है, तो टारगेट फिक्स हो गया। प्री इंपिटिव प्रायोरिटी देता है, बट प्री इंपिटिव प्रायोरिटी देगा। दूसरी बात, एज्यूम द, क्या लिखा हुआ है, एज्यूम द लिनियरिटी एग्जिस्ट इन दिस इन द यूज ऑफ द रिसोर्स टू अचीव गोल। तो इसके स्टूडेंट ऑल ऑफ अबव आंसर्स हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज आंसर्स होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कमेंट करके बता सकते हो आप मुझे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। इन्हें गोल प्रोग्रामिंग द ऑप्टिमलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट दैट ए गोल हैज बीन एग्जिटली सेटिस्फाइड। मेरी बात समझना ध्यान से कि ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है, 100% एक आएगा पेपर में, समझ रहे हो, 100% पेपर में आपका आना ही आना है ये क्वेश्चन। तो ये कह रहा है ऑप्टिमलिटी के बारे में बात कर रहा था स्टूडेंट, ये क्या कहता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कैसे, इसके बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल का देखो, ये जो बोलता है ना, मैं आपको बताता हूँ, D1 नेगेटिव मतलब डायमेंशन नेगेटिव, एंड अगर D1 पॉजिटिव बात कर रहा है तो डायमेंशन ऑफ पॉजिटिव वेरिएबल। तो ये वेरिएबल होते हैं जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव वेरिएबल्स होते हैं, बात है ना, आर नॉट इन द सॉल्यूशन मिक्स, मतलब सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होते, खास बात इसकी ये रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कंसाइडर गोल, देखो मेरे पास और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, चिंता मत करो, मैं पूरे लिखवा पूरे मैंने लिख दिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सभी मैं आपको करा रहा हूं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको गोल प्रोग्रामिंग में इससे बाहर क्वेश्चन कहीं जाएगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, कंसाइडर गोल प्रोग्रामिंग विद अ कॉन्स्टेंट, तो मैं दे रहा था G(x1, x2)(x1+D1-D1) पॉजिटिव बराबर V1, एंड द टर्म ऑफ, आपको टर्म दे रखिए 3D1 नेगेटिव + 3D1 पॉजिटिव इन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन द डिसीजन मार्कर। तो सबसे पहली बात समझने, डिसीजन मार्कर एक बात समझना मेरी बात, हमेशा के लिए ये जो बात होती है मैक्सिमम होती है, प्रेफर करता है ग्रेटर देन B1 को, और एदर जो बात करता है इज लेस देन B1 के बारे में बात होती है, मतलब जो आपकी इनिक्विटीज होती हैं, जो सब्जेक्ट आप समझते हो ना, जो सब्जेक्ट की बात करते हो आप, कौन से वाले, जैसे आप उस सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ा था आपने, ऑब्जेक्टिव दे रखा होता है, सब्जेक्ट की जो कंडीशन है मैक्सिमम कंडीशंस होती है, ठीक है, मैक्सिमम कंडीशंस होती है, तो उसके जो लेस देन का सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लियर है, अब मेरी बात समझना अगले क्वेश्चन की। द यूज ऑफ गोल प्रोग्रामिंग मॉडल्स इज द प्रिफर्ड वैन, ठीक है, बात समझ में, गोल मॉडल जो प्रीफर करता है किसको प्रीफर करता है, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, गोल आर सेटिस्फाइड इन दिस ऑर्डिनल सीक्वेंस को, मल्टीपल की बात करेगा, मोर देन वन ऑब्जेक्टिव इज सेट ऑफ अचीव, मतलब कोई ना कोई वन ऑब्जेक्ट अचीव रहना चाहिए, मतलब जैसे जानते हो कि कोई भी मनुष्य है अपनी तैयारी को करता है, गोल फिक्स रहता है उसका, टारगेट फिक्स रहता है, तो वो कोई भी किसी ऑब्जेक्ट को लेके तो टारगेट को फिक्स करता है, भाई ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा उस पर, ऑब्जेक्ट काम करेगा जैसे मैं चाहता हूँ कि एक इंजीनियर बने, तो इंजीनियर वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर बात आई, तो इसका ऑल ऑफ है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका ऑप्शन। बात करते हैं स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। इन्हें गोल प्रोग्रामिंग में बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहली बात तो ये कि भाई साहब ये गलत आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया D1 नेगेटिव और D1 पॉजिटिव की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, यहाँ पर कितनी निकल कर आई, माइनस निकल कर आई है, तो इसका मतलब तो ये है कि बच्चों ये वाला गलत हो गया। तो 100% ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्यों कहेगा कि क्योंकि वो लीनियर रिलेशन रखता है, क्या रखता है, लीनियर रिलेशनशिप रखता है, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। चले फिर आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ बच्चों।
21 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो करेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो समझना मेरी बात, फॉर अप्लाइंग ए जीपी अप्रोच डिसीजन मार्कर मस्ट सेट टारगेट फॉर दिस ईच ऑफ दिस गोल। तो मैंने आपको बताया था गोल हमेशा जो है टारगेट को फिक्स करता है, टारगेट को फिक्स करता है। तो मेरी बात समझना, जब भी आपको गोल के बारे में बात हो रही है, अप्रोच कर रहा है, तो जो जहाँ टारगेट लिखा जाए तो 100% वही आपका ऑप्शंस होगा। एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास में, स्टूडेंट टेंशन ना लें, देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं आपके, जो भी आपके यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो बुक से रिलेटेड क्या थ्योरी आपको पढ़नी है, वो सब चीज़ मैं आपको पूरी पूरी बातें जानकारी दूंगा, टेंशन ना लेना। पेज सही थ्री बता दिया जाएगा, देखो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन में से है, तो समझना कि ये भी आपको इसमें करेक्ट आंसर्स आपको बताना पड़ेगा, क्लियर है। सबसे पहले मेरी बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, डी वन माइनस की जो बात करी थी उसने क्या कहा था, बोलो अंडर अचीवमेंट की बात करी थी, ठीक है ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पहले बी ऑप्शन को समझने की कोशिश करना। डी आई माइनस क्या करता है, अंडर अचीवमेंट। डी आई पॉजिटिव क्या करता है, ओवर अचीवमेंट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं अगले वाले की, इन्हें जीबी डा प्रायोरिटी फैक्ट्री हैज अ रिलेशनशिप ऑफ पीजे ग्रेटर देन एन पीजे प्लस वन। तो जहाँ जे की वैल्यू 1 to k है, वेयर एन इज अ वेरी लार्ज, तो वेरी लार्ज के बारे में बात कर रहा, मैक्सिमम चीज होनी चाहिए, ग्रेटर देन का सिंबल्स का इस्तेमाल होगा, तो 100% ये भी आंसर होगा। इसका मतलब हुआ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है स्टूडेंट। ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट की बात करेंगे तो 23 द लोअर ऑर्डर गोल आर कंसाइडरी ओनली आफ्टर द हायर गोल आर अचीव। तो एक चीज बताओ मुझे कि हायर गोल के बारे में बात कर रहा कोई चीज है कि अगर आप किसी भी उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो तो लोअर से चलोगे या एक साथ ही हायर पर पहुंचोगे, तो लोअर ऑर्डर से बात करेंगे, कंसाइडर ओनली आफ्टर द हायर गोल आर अचीव्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बच्चों यही आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, मेरी बात को समझना। इन ए जीपी ऑफ द ओवर अचीवमेंट डी आई प्लस कैन बी रिमूव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या ये इसको रिमूव करता है, यस, डी आई पॉजिटिव जो है आपके रिमूव कर देता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को। ऐसे ही जब इस पर ये बात फॉलो कर रहा है तो 100% डी आई माइनस पर भी फॉलो करेगा ये बात, तो बच्चों ये दो तो आंसर सही हो गए, क्लियर। अब बात करता सी, द यूज ऑफ गोल प्रोग्रामिंग मॉडल इज द प्रिफर्ड व्हेन मोर देन वन ऑब्जेक्टिव इज सेट टू अचीव। तो बच्चों मोर देन मतलब वन ऑब्जेक्ट तो होना कन्फर्म है 100%, तो ये विषय होता है इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गोल प्रोग्राम की। पेज तो आपका पेज नंबर 406 पर लिखा हुआ है, देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मेरिट यूनिवर्सिटी में 7, 8, 8 BP, 9 BP, 10 अब आ गया होगा, थोड़ी और आगे की भी डेट्स में आ गया होगा, क्लियर है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, सबसे पहले मेरी बात समझना कि इसका जो गोल प्रोग्रामिंग का जो आपने कहा था, चार्नियन कॉपर ने 1961 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है, गोल प्रोग्रामिंग को जब इंट्रोड्यूस कर दिया था उसके बाद में एक फर्स्ट बुक आई थी, फर्स्ट बुक का नाम आपको इसमें यहाँ नहीं दिया हुआ है, हालांकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है, एक क्वेश्चन तो आपके इसके ऊपर भी बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़नी होगा, आ जाओ मेरी बात समझना ध्यान से, आते रहो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। मिनिमाइजेशन ऑफ जेड बराबर समेशन आई बराबर 1 to m डब्ल्यू आई डी आई नेगेटिव प्लस डी आई पॉजिटिव, यह भी देखना एक क्वेश्चन आने वाला है, उसमें आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो सब्जेक्ट की बात समझो, यहाँ पर देखो ध्यान से, डी आई माइनस डी आई पॉजिटिव इक्वल टू वी आई, समझना मैं आपको समझाऊंगा, क्या समझाने वाला हूँ उसको समझना, इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि इसके स्टेप को आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से स्टूडेंट ये था, एग्जाम्पल नंबर 4 और आपके पेपर में 2019 के पेपर में ये आया हुआ है, ठीक है। तो जब 2019 के पेपर में आया हुआ है तो समझ लो कि क्या मैं आपको इसे कैसे कराऊंगा, समझना मेरी बात, ठीक है।
एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है टू प्रोडक्ट को, एक तो रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, विश मस्त विदा प्रोसेस कर रही है, ठीक है, असेंबल कर रही है उसको, फिनिश ऑफ द डिपार्टमेंट को, ठीक है, असेंबल 9 आवर्स 90 आवर्स अवेलेबल है, ओके, फिनिश करती है 72 घंटे में। मैन्युफैक्चरिंग 1 रेडियो रिक्वायर 6 आवर्स। तो इस तरह सबसे मेरी बात को यहाँ समझना कि प्रॉफिट की बात कर रहा है, द प्रॉफिट 120 पर रेडियो एंड 90 पर ट्रांजिस्टर। तो मेरी बात समझना ध्यान से कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखो P1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट टू मीट ऑफ रेडियो गोल ऑफ 30, गोल 30 का है। P2 रीच ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट गोल कितना क्या है, 1950 का। ट्रांजिस्टर का गोल है इसके 5 का। तो मेरी बात समझना, अब आगे बात, अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, क्लियर है, अब समझना। अभी मैं आपको एक चीज इसके क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, टेंशन ना लें। आ गया अब इस क्वेश्चन की तरफ, इसके ये ऑप्शन है छात्र, ये आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, समझते हैं अब इसको। वही चीज दी है, रेडियो दिया हुआ 1950 में, प्रॉफिट गोल है 5 ये है। अब बात आती है असल की, आपको दे दिया ये बात आती है कि आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, मैं ऑप्शन ही बताऊंगा आपको। इस ऑप्शन को बताने के लिए मुझे आपको एक चीज बतानी जरूरी समझता हूँ, आ जाओ मेरी बात समझना ध्यान से, टेंशन ना लो, आ जाओ यहाँ पर। तो समझना, मिनिमम जेड के लिए जो रूल लगता है वो ये होता है, बट आपको मैं यहाँ समझाने चाहता हूँ, सब्जेक्ट की बात करता है तो ये 2 लिखा हुआ है वो 13 और 5 है, इसकी जगह पर 13 आ जाएगा, दूसरी जगह पर 5 आ जाएगा। समझना, जब मेरा D1 यहां पर यूज हो गया सब्जेक्ट में, सॉरी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ D2 आएगा और अगली टर्म में क्या आएगा, D3 आएगा, कितना आएगा, D3। अब समझाऊंगा ऑब्जेक्ट ऑप्शन से, आ जाओ ऑप्शन से उड़ाऊंगा अब इस क्वेश्चन को, आ जाओ अब समझना मेरी बात, यही रूल अभी मैंने दिखाया आपको, क्लियर है, सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं दिस ये, क्लियर है। अब मेरी बात समझना कि विद प्रॉफिट रेडियो ट्रांजिस्टर गोल ऑफ द रेस्पेक्टिवली, क्या कह रहा है ये, सबसे पहली बात ऑप्शन से समझो। ऑप्शन कहता है 120 X1 प्लस 90 X2 प्लस D1 माइनस माइनस D1 प्लस बराबर 1950 जो प्रॉफिट हुआ उसके, जब D1 यहाँ अप्लाई हो गया तो स्टूडेंट फॉर्म बनती है D2 की, D6 की, D3, 100% 100% कहीं भी आ जाए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का अनुमान यही लगाना है और ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर होगा 100%, ठीक है। देखो हमेशा D1 से स्टार्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम करेंगे इस टाइप से काम करेंगे, D2 और D3 का क्रम बनाएंगे, क्लियर है, न है तो आपका बी ऑप्शन होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा, क्लियर है, समझ में आया, यस या नो, कोई भी बच्चा कोई दिक्कत आई हो बता सकता है मुझे। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं, आइए स्टूडेंट टेंशन ना लें, आ जाओ बच्चों, आइए अब इन्हें गोल प्रोग्रामिंग एट ऑप्टिमलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट द गोल हैज बीन एग्जिस्टली सेटिस्फाइड। तो बच्चों ये बात कर रहा है, तो मेरी बात समझना, किताब के अंदर भी क्वेश्चन आपका भी मिलेगा, ठीक है। फिलहाल ये आपका 2016 का पेपर आया है, सॉरी 2019 का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, समझना मेरी बात कि गोल प्रोग्रामिंग ऑप्टिमलिटी विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट कर रही गोल हैव बीन एग्जिस्टली सेटिस्फाइड। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्यों, कि बोथ पॉजिटिव नेगेटिव डायमेंशनल वेरिएबल आर नॉट इन सॉल्यूशन मैक्स, मतलब इसने क्या कहा कि आपके D1 नेगेटिव और D1 पॉजिटिव का जो डायमेंशनल है वो आपका जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन आपका मैक्स हो, मतलब मैक्सिमम हो, क्लियर हुई बात, मिक्स हो, है ना। अब अगली बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आप सभी ने जाना होगा, सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था, सिंप्लेक्स मेथड में मैंने बात को बताया था, सी आई माइनस जेड जे, ठीक है, सी आई माइनस जेड जे की मेरी बातें हुई थी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने आपको बताया था सी आई जी और उसके बारे में, तो समझना हाईएस्ट प्रायोरिटी रो एंड मस्ट नेगेटिव सी जे माइनस जेड जे वैल्यू,
लोअर प्रायोरिटी रो एंड मस्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरी बात समझना यहाँ पर ध्यान से, हाईएस्ट प्रायोरिटी रो मस्ट पॉजिटिव सी आई माइनस जे आर जे वैल्यू इट इन इट्स। क्लियर है? तो समझ लो हाईएस्ट कैसे होगा, सी आई माइनस जे आर जे इज लेस देन इक्वल टू जीरो, सिंपलेक्स में पढ़ा था, यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाए, ग्रेटर देन के बारे में बात हो जाए। क्लियर है? चलें फिर अगले तो क्वेश्चन की तरफ आ जाओ बच्चों, टेंशन फ्री समझते रहो ध्यान से बच्चों। एक क्वेश्चन आपका ये है, इन ए गोल प्रोग्रामिंग विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या बात ट्रू नहीं है? ठीक है ना, इट इज मल्टी मल्टी ऑब्जेक्टिव, क्या कह रहा है, इट इज मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, गोल में इवन वाई कंफ्लिकेटिंग, हाईएस्ट प्रायोरिटी गोल आर गिवन लीस्ट इंपोर्टेंट, ए गोल नॉट बी फुलफिल्ड टू बी टारगेट एक्सेप्टेड। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर होगा वो होगा इट इज अ मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्लियर है? चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। हाँ जी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझना मेरी बात ध्यान से। ए फैक्ट्री प्रोडक्ट टू काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, चेयर और लैम्प बनाती है, ठीक है, दो एक फैक्ट्री है आप, ठीक है, वो बनाती है चेयर और लैम्प, ठीक है, 80 और 40 का इसमें दे रखा है मार्जिन दे रखा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, चलो टेंशन नहीं है हमारे को। तो इसका देखो सबसे पहली बात, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो दिया वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर है? एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन 10 दिया हुआ है, बात यहाँ तक समझ में आई? जब समझ में आ गई तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि अब ऑप्शन से समझ ऑप्शन से उड़ाएंगे बात को, ठीक है, मेरी बात समझना कि डी वन ऑब्जेक्ट जो यहाँ से उठाना है तुमको, डी वन माइनस माइनस डी वन पॉजिटिव का अपोजिट क्या होगा मैं बता दूँ, बस समझ लेता हूँ, डी वन माइनस प्लस के डी वन पॉजिटिव होगा नहीं होगा, 100% ए होगा, और बात करता है ये मिनिमम की, दैट इज द मिनिमम ऑफ इतना, तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, है ना, तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो अब क्वेश्चन आया 6, ठीक है, क्वेश्चन आया आपका 6, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में गोल प्रोग्रामिंग की बात करें, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो मैंने आपको बताया था क्या करता है, डी आई प्लस इनटू, अरे ये गलत निशान गलत लगा दिया बच्चों, उसको समझ रहे मल्टीप्लाई वाला क्या है, डी आई प्लस इंटू डी आई माइनस बराबर जीरो, तो 100% आपका आंसर ये होगा। समझ लो 7th क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, समझ लो क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैसे है, द सॉल्यूशन ऑफ गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मे बी ऑब्टेंड बाय, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखना, थ्योरी पढ़ना, उसमें एक तो ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल किया गया है और एक किया गया है सिंप्लेक्स मेथड का, तो दोनों ही मेथड आपकी गोल प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, यूज होते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं, यूज होते हैं। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 81 में स्टूडेंट, इन ए गोल प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट आर, तो मैंने आपको बताया था गोल प्रोग्रामिंग और जो सिंप्लेक्स मेथड आप क्वेश्चन को यूज करते हो, सिंप्लेक्स मेथड में भी क्वेश्चन बन सकता है, हमेशा ही लीनियर होता है, लीनियर आप जानते हो लीनियर की फॉर्म कैसी होती है, समझ रहे हो ना, लीनियर की फॉर्म कैसी होती है, ए वन एक्स वन प्लस के ए टू एक्स टू और इज लेस देन इक्वल टू जो भी हो 3 या 5, तो लीनियर की फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आई, लीनियर की फॉर्म में होगा। ठीक है, चलते हैं अब 82 के क्वेश्चन की तरफ, इन्हें गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गोल आर द असाइंड प्रायोरिटीज सच दैट, तो गोल मे नॉट हैव इक्वल प्रायोरिटीज, हाइएस्ट प्रायोरिटी गोल मस्ट बी अचीव बिफोर लोअर प्रायोरिटीज, तो अब गोल ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंट आर गिवन लोअर प्रायोरिटीज ऑल ऑफ अबव, तो इसमें स्टूडेंट आपका जो ऑप्शन होगा हमारे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइएस्ट प्रायोरिटी गोल मोर बी अचीव बिफोर द लोअर प्रायोरिटीज, तो ये आपका एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन नंबर 1st है, बिल्कुल सेम एजिटिव वहाँ से उठकर आ गया। 83 को समझना, द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस, किसने किया था गोल प्रोग्रामिंग का इंट्रोड्यूस, चार्नी एंड कॉपर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बात क्लियर है ना। चलिए फिर अब बात करते हैं 84 क्वेश्चन की, 84 क्या है, हु रोट द फर्स्ट बुक ऑफ द गोल प्रोग्रामिंग,
तो फर्स्ट बुक जो आपके गोल प्रोग्राम ने जो की थी वो की थी डी एल यू लग्नि जियो, लग्नि जियो है ना। हाँ लग्नि जियो, ठीक है तो क्लियर है। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने समझना। डेविशन वेरिएबल इन द गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। तो स्टूडेंट समझने की बात मेरी ये है कि मैंने आपको ये बात आपको 100% मिलना मिलना ही है पेपर में। डी आई पॉजिटिव इंटू डी आई नेगेटिव बराबर जीरो, हमेशा जीरो ही रहता है इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चलिए देखो 2016 के पेपर में फिर से आ गया, रिपीट हो गया फिर से। तो इसका ऑप्शन आप आग बन करके क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे बोलो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब समझते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। द गोल प्रोग्रामिंग ट्राइज टू डैश द डेरिवेशन फ्रॉम दिस टारगेट ऑफ द टारगेट दैट आर द सेट अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज। तो इसकी बात जो बात कर रहा है ये गोल प्रोग्रामिंग जो बात करते हैं डेविएशन मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है, मिनिमम होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन हर बार आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आ गया है। इन्हें गोल प्रोग्रामिंग हैज ए गोल आर असाइन प्रायोरिटी सच दैट, बताओ इसका ऑप्शंस बताओ आप स्टूडेंट्स, आप इसका ऑप्शन बता सकते हो क्या हो सकता है, आप बताओगे। ठीक है, हाँ बहुत देर से हो गए आप ही नहीं बता रहे, जल्द से जल्द इसका ऑप्शंस बताएं, कमेंट करें, ऑप्शन को बताएं। चलो तुम नहीं बताओगे हमको ही बताना पड़ेगा, इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट आप सभी जानते ही होगे, चलो एक क्वेश्चन और असाइनमेंट का करा देते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने क्या बताई, बैलेंस होती है। जब बैलेंस होती है तो इसका मतलब क्या, रो और कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब रो और कॉलम बराबर होंगे तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन सीधा राइट आंसर। ठीक है चलो आ जाओ। लू और कौन सा, इग्निजियो। रॉट ऑफ द फर्स्ट बुक कौन सी बुक की थी, लीनियर प्रोग्रामिंग की थी। ठीक है अब मेरी बात समझना, चार्नियन कॉपर ने जो कॉन्सेप्ट को गोल प्रोग्रामिंग का जो दिया था कौन सी ईयर में दिया था, 1961 में इसने दिया था। क्लियर है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अगले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, चलिए फिर कराते हैं इस क्वेश्चन को भी। कंसाइड ए गोल विद कॉन्स्टेंट दे रखा जी x1 x2 रेडर xn प्लस d1 माइनस इज ग्रेटर देन, आपको इतना दिया हुआ है d1 माइनस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन। तो इसमें बात करनी है स्टूडेंट किसकी, देखो कॉन्स्टेंट एक्टिव करेगा प्रोवाइड द d1 माइनस ग्रेटर देन 0, ये था वहां पर मिनिमाइज हो रहा है, अंडर अचीवमेंट हो रहा है। अंडर अचीवमेंट कहाँ से पहचान करोगे आपकी, देखो भाई माइनस का लग रहा है तो माइनस किसको काम करता है, अंडर अचीवमेंट वो काम करता है। तो अंडर, ये भी ऑप्शन सही होगा, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राइट आंसर कहाँ से होगा, ऑप्शन से देख लो भाई क्वेश्चन से ही, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए समझते हैं अब हमारी बात यहाँ पर। इन ए सिंप्लेक्स मेथड द गोल प्रोग्रामिंग द वेरिएबल टू एंटर द सॉल्यूशन मिक्स इज सेलेक्ट विद, तो इसका जो ऑप्शंस क्या होना चाहिए वहां पर भी था और पेपर में भी आया होता और यहाँ पर भी आया। मैंने आपको बताया सी आई माइनस के जेड जे, ये वाली फॉर्म बताई है ना आपको मैंने, आप ये भी जानते हो क्या, जेड जे को भी जानते हो, जेड जे होता क्या है, ये होता है सी वी वाई जे। ठीक है ना, इसको भी याद रखना, कभी जेड जे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी रो एंड मस्ट नेगेटिव, एक मिनट, या मस्ट नेगेटिव सी जे माइनस जेड जे वैल्यू इन दिस इन इट। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, एक मिनट स्टूडेंट, नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव, हाईएस्ट प्रायोरिटी रो मस्ट पॉजिटिव सी जे माइनस जेड जे वैल्यू इन इट्स। ठीक है पॉजिटिव होती है, बात क्लियर है, चलिए फिर आगे तरफ आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, गोल प्रोग्रामिंग में क्या दिया हुआ, रिक्वायर्ड ओनली द डिसीजन मार्क नो वेदर द गोल इन द डायरेक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है बी ऑप्शन क्या कहता है, इन अप्रोच टू अचीव गोल ऑफ ए सॉल्यूशन टू ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक
इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो सबसे पहले मेरी बात को समझना। इसने कहा है डिसीजन मार्कर नो वेदर द गोल ऑफ द डायरेक्ट प्रॉफिट मैक्सिमम हो और कॉस्ट आपकी मिनिमम हो। जब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा कॉस्ट मिनिमम होगा। एक बात बताओ, ₹5 का कोई कॉस्ट, ₹5 की कोई चीज़ है, उसको आपने 10 में बेच दिया तो ₹5 का तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और आपका कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। भाई साहब, जब मिनिमम होगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। कॉस्ट मिनिमम है और प्रॉफिट कितना होगा फिर, मैक्सिमम होगा। तो से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुए? चलें फिर आगे की तरफ। इन जीपी प्रॉब्लम ए कॉन्स्टेंट हैव अनअचीव्ड वेरिएबल इन एक्सप्रेस एज। तो बच्चों ये बताओ, इन गोल प्रोग्रामिंग ए कॉन्स्टेंट हैविंग अनअचीव्ड वेरिएबल इज एक्सप्रेस एज ए लेस देन और इक्वल टू टाइप कॉन्स्टेंट, ए ग्रेटर देन और इक्वल टाइप कॉन्स्टेंट एंड इक्वलिटी कॉन्स्टेंट। तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्ट्रेंट है, CONSTRAINT, कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है ना। तो इसका जो होगा एक ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इज द राइट आंसर हुआ। क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल किसकी बात करें, अनअचीव वेरिएबल के। क्लियर है? चलें फिर स्टूडेंट आगे की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन ए गोल प्रोग्रामिंग बीन हैज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल एंड द कंटिन्यू अंटिल द अचीवमेंट ऑफ डैश इंपॉर्टेंट गोल। तो एक चीज मेरी बताओ कि आपको गोल फिक्स हो गया, ठीक है। जब गोल फिक्स हो गया तो ये थोड़ी नहीं है कि तुरंत ही भाई लेस इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए। भाई अचीवमेंट आपको चाहिए, अचीवमेंट कब मिलेगी, जब आपकी थोड़ा सा कोई छोटा प्लेटफॉर्म सोचोगे तो उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। तो इसका मतलब है कि लेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लेस होना जरूरी है, समझना मेरी बात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इन्हें गोल प्रोग्रामिंग वेरीज गोल कॉन्स्टेंट आर, भाई साहब लीनियर रिलेशनशिप रखता है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर क्या लीनियर रिलेशनशिप रखेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ। चलो छात्रों, टेंशन नॉट। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल प्रोग्रामिंग जीपी वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो भाई साहब जीपी को जो इंट्रोड्यूस किया था चार्नेज एंड कॉपर ने इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं, आ जाओ बच्चों। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंट प्रायोरिटीज लेवल टू दिस गोल एंड डिफरेंट वेट फॉर द गोल एट सेम प्रायोरिटीज लेवल वाज डेवलप्ड बाय। तो भाई साहब इसका डेवलप किसने किया था, समझ रहे हो ना। ये ऑप्शन जो आपका किताब में आपका पेज नंबर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पेज नंबर आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। 12.2 आर्टिकल है, कौन सा 12.2 आर्टिकल है, पेज नंबर है आपका 460 पर। ये आपको पूरी तरीके से ढंग से पढ़ लेना है। तो समझते हैं, तो 1965 में तुम्हारा किसने कहा था, इजरील ने। चलो आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। द गोल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नंबर 15। द गोल प्रोग्रामिंग ट्राई टू द डेरिवेशन फॉर द टारगेट दैट आर द अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज। तो बताओ आप मुझे कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शंस क्या होना सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया मिनिमम रहना चाहिए, तो भाई साहब मिनिमम ही रहेगा। फर्स्ट बुक आपकी जो कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट बुक गोल प्रोग्रामिंग का जो किया था, किसने किया था, लू और इग्निजियोरे, ठीक है, इग्निजियोरे। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। द जनरल जीपी मॉडल कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। तो समझना मेरी बात ध्यान से कि जब इसने मिनिमम की बात करी तो समझ लो जो क्वेश्चन आपको गिवन है पहले से ही कंडीशन, ठीक है। डी आई नेगेटिव प्लस डी आई पॉजिटिव। अब यहाँ पर दिया सब्जेक्ट टू, दिस इज द इतनी कंडीशन में होता है, वो तो बाद की बात है, आगे सोल्यूशन। तो जब ये सही बात सही डायरेक्शन में लिखी हुई बातें हैं तो इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मिनिमम होना चाहिए।
चलो एक बात समझना, मिनिमम होने के बाद समझ लो, मैं बता रहा हूँ ये तो मिनिमम है, दिस भी मिनिमम है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर को भी ध्यान में रखते हुए देखना है। पहली बात, ऐसी कंडीशंस आपने, एक मिनट, ऐसी कंडीशन आपने कहीं पर नहीं देखी। आपने कंडीशन देखी d1 माइनस माइनस और देखो d1 पॉजिटिव, क्लियर है? इस टाइप की कंडीशन देखी और आपको यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रहा है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मेरी सब बात समझना, डी आई नेगेटिव के बारे में बात करी तो भाई साहब नेगेटिव करता है अंडर का काम, तो अंडर अचीवमेंट होगा। पॉजिटिव मतलब ओवर एटीट्यूड, तो ओवर एटीट्यूड मतलब ओवर अचीवमेंट। तो बात आपको हमारी क्लियर आ गई होगी समझ में, तो ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।